नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास पेशकश में। कम से कम दिल्ली की सड़क पर चलने वाले बहुत सारे लोगों ने उनमें उम्मीद देखी और सियासी गलियारों में कब्जा करके बैठे लोगों को चुनौती। लेकिन क्या mediasarkar.com के स्टिंग के बाद आम आदमी पार्टी की साख पर सवाल खड़ा हुआ है या फिर झाड़ू फिर गई है? उससे भी पहले सवाल यह है कि इस स्टिंग पर कितना भरोसा किया जाए। हम सिक्के के दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे। हमारे साथ तमाम काबिल मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। mediasarkar.com के CEO अनुरंजन झा जुड़ेंगे हमारे साथ आपसे कुछ ही पलों में, और आम आदमी पार्टी के नेता फिरोज बख्त हमारे साथ हैं। हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक चंदन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है, और इस पूरे मामले पर पूरे अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। तमाम बातचीत के लिए और कानूनी पहलू के लिए मनीष ठाकुर। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा की और जानेंगे कि आखिर इस स्टिंग की सच्चाई कितनी है। देखिए, वो कौन होते हैं मोहलत देने वाले, पहली बात। दूसरा, रॉ फुटेज हम आम आदमी पार्टी को क्यों दें? सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र का हिस्सा है। फिरोज बख्त साहब, आपको एक बार फिर से और अपने दर्शकों को भी कि बड़े इंतजार के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे हैं कि अनुरंजन साहब आएंगे अपनी सफाई में या अपनी तरफ से जो भी उनको कहना है वो कहेंगे। कुर्सी उनकी खाली है, अभी तक इंतजार है। वादा किया था उन्होंने इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़ने का, सफाई देने का, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। मैं एक बात और बता दूं निरंजन भाई के बारे में, आपने चूंकि बात अपनी बात बीच में कही। देखिए, ऐसा है, निरंजन भाई ना तो यहाँ आएंगे ना मेरे ख्याल से किसी और स्टूडियो में जाएंगे, क्योंकि उनका, देखिए, उन्होंने हर एक के ऊपर जो है कीचड़ उछाली है। उनका अपना किरदार यह है कि उनको हर छोटे बड़े नेता के दरवाजे पे देखा गया है, तो ये सारा मामला प्लांटेड है, ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अनुरंजन झा जो कि ये कुर्सी उनकी खाली है, इस पर वो बैठेंगे और आके वो बताएंगे कि आखिर वो आनाकानी क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं वो रॉ फुटेज मीडिया के सामने उपलब्ध करा रहे हैं। मनीष ठाकुर हमारे साथ हैं। मनीष ठाकुर, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अनुरंजन झा से संपर्क करने की, बात करने को राजी नहीं है, आने के लिए राजी नहीं है, मीडिया फुटेज देने के लिए राजी नहीं है। क्या वजह मानी जाए और क्या इसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस सीडी को देखने के बाद, इसमें तनु क्रिमिनल केस की गुंजाइश नहीं दिखती है, कि आपराधिक मामला जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं के बराबर दिखती है। अब इस पर एक डिस्कशन हो सकता है, मगर जो अनुरंजन झा और उनकी टीम ने जो काम किया है वो जो आम आदमी पार्टी की जो पूंजी है, जिसको अरविंद कहते हैं कि ईमानदारी और साख, उस साख को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की गई है। देखिए, वो कौन होते हैं मोहलत देने वाले, पहली बात। दूसरा, रॉ फुटेज हम आम आदमी पार्टी को क्यों दें? सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि अनुरंजन झा अपनी बात रखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने हमें वक्त दिया। हालांकि mediasarkar.com के CEO के पास इस बात का कोई भी पुख्ता जवाब नहीं था कि आखिर वो क्यों असंपादित सीडी नहीं देना चाहते हैं, और साथ ही कई और सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टे वो हम पर भी आरोप लगाना नहीं भूले। देखते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो स्टिंग पर बहस का बाकी हिस्सा। देखिए, वो कौन होते हैं मोहलत देने वाले, पहली बात। दूसरा, रॉ फुटेज हम आम आदमी पार्टी को क्यों दें? सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जी हाँ, एक ऐसा स्टिंग जिसने पूरी पार्टी की इमेज को डैमेज करने का काम किया है, और उसके कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेट छोड़ने की बात कही है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। अनुरंजन झा साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है अनुरंजन जी आपका P7 के कार्यक्रम में। बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस स्टिंग के चलते पूरे देश में इस वक्त विवाद हो रहा है, उसकी रॉ फुटेज की डिमांड की जा रही है उस पार्टी की तरफ से जिस पार्टी का वो स्टिंग ऑपरेशन है, आपने इनकार कर दिया है, वजह क्या है उसके पीछे? वजह साफ है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जिस पे आरोप लग रहे हैं वो कैसे फैसला लेगा कि ये सच है या गलत है? जो मुजरिम है वो जज कैसे बन सकता है? जिस पे आरोप लगे हैं उसी को हम रॉ फुटेज दे दें, वो तय करेंगे कि वो सही है या गलत है, ऐसा होता है? आप रॉ फुटेज अवेलेबल कराते हैं और उसके आधार पर इनहाउस वो लोग कार्रवाई करते हैं, तो ये तो आपकी जीत होगी, और वो आप फुटेज ही नहीं देंगे तो आपकी जीत कहां से हो रही है? वो तो आप बात ही नहीं समझ रहे हैं आज तक। आप नहीं नहीं, हम उनको क्यों दे दे भाई, वो आरोपी हैं, वो उनपे आरोप नहीं, लग रहे हैं। लेकिन ये तो बेहतर होगा ना, आपके स्टिंग का तो जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा।
आपने जो बेनकाब करने की कोशिश की है, जिस पर्दाफाश की आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेनकाब हो जाएगा, कैंडिडेट्स पे कार्रवाई हो जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भी कोई मर्यादा होती है, टेलीविजन की भी कोई मर्यादा होती है, काम करने के भी कुछ तरीके होते हैं। मैं कोई नया कीर्तिमान स्थापित नहीं कर रहा, मैं वही सारी बातें कर रहा हूँ जो हम होता है। ऐसा आपने सुना है कि अभी तक कोई भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई हो और जो मुजरिम रहा हो उसी को सौंप दिया गया हो सारा उसका रॉ डेटा? उसकी ऑथेंटिसिटी की तो जांच होगी ना, मुजरिम तो आप जिसे मुजरिम कौन करेगा? कार्रवाई की बात कर रहा है, कह ही नहीं रहा कि वो आपका स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है या खराब है या गलत है, वो तो कह रहा है कि रॉ फुटेज दे दीजिए। नहीं नहीं, वो तो बात अलग है, मैं पूछता हूं कि जांच कौन करेगा। मैं कह रहा हूं कि मीडिया संपादक जी, पूरे किसी भी चैनल का कोई भी संपादक अगर देखना चाहते हैं वो हमारे दफ्तर आए और इस वीडियो को देखें। ये वीडियो सारा इलेक्शन कमीशन देने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव से जुड़ा मामला है। सरकार फैसला लेगी, चुनाव आयोग फैसला लेगा, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था के अलावा हम किसी व्यक्ति को कैसे दे दें? हम आपको सीडी अवेलेबल कराने की बात हम कभी नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कोई संपादक कोई हमारे पास आए और देखें वीडियो और अपने विवेक से फैसला लें कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। चंदन जी, क्या कहा जाए? मेरा कहना ये है, दो बातें मैं इसमें कहूँगा। एक बात ये कि उन्होंने बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया कि जो मुजरिम है वही मुनसिफ कैसे हो सकता है। जी। एक चीज़ की अनदेखी कर रहे हैं और वो नायाब चीज़ है आप पार्टी की, कि आप पार्टी अगर लोकपाल की मांग करती है, जैसा कि मैं उसके घोषणा पत्र से समझ पाया हूँ या उसकी और भी खबरों से समझ पाया हूँ, तो उनका एक लोकपाल तो बाकियों के लिए होगा ही और साथ में उनके लिए होगा। उस पार्टी की बनावट के साथ ही लोकपाल की संरचना लगी हुई है, मतलब उनका एक आंतरिक लोकपाल भी है। और अगर उनका आंतरिक लोकपाल किसी तरह से ये बात कहता है कि पार्टी के किसी अन्य, मतलब वो मान के चलते हैं कि भ्रष्ट कोई भी हो सकता है और इसलिए उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए आंतरिक लोकपाल की उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, उस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत साजिया इल्मी पर, कुमार विश्वास पर किसी किस्म की कार्रवाई 24 घंटे के लिए हो के भीतर हो, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनसे रॉ फुटेज की मांग की जा रही है। ये तो एक बात जो कि इन्हें समझना चाहिए अगर ये लोकतंत्र के विश्वासी लोगों में हैं। दूसरी बात, इन्हें ऐतराज किस बात पे है? इन्हें ऐतराज इस बात पर है कि हम सिवाय सरकारी अधिकरण के और किसी पर क्यों किसी को दे? देखिए, इसी वाक्य में ये शामिल है कि उन्होंने आप पर, मतलब बाकी शेष मीडिया संस्थान पर भी उन्होंने शक किया। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की अदालत के भीतर अगर मीडिया संस्थान आते हैं तो उस कम से कम मीडिया संस्थान को ही वो रॉ फुटेज इस्तेमाल करने के लिए, देखने के लिए दे। कह रहा हूं कि मैं तो बार बार दो बात चंदन जी, और तीसरी बात ये है, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, और सुनिए सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन ले, सुनिए निरंजन भाई थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, आपने जो शेर पढ़ा था आपके लिए, मैं ही कातिल मैं ही मुनसिफ, ये पूरा आपके ऊपर अप्लाई होता है। दूसरी बात ये, आप हज़ार बार सीडी ना दें आम आदमी पार्टी को, आजकल में डेफेमेशन केस आपके ऊपर फाइल हो जाएगा, तब कोर्ट से सीडी ले लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने किसकी शह पे किया? आपका रिपोर्टर कौन है? कहाँ से क्या क्या हुआ? आपका खुद ही अपनी छवि साफ नहीं है। मैं फिर आपको बताऊंगा आपके मुंह पे, टेलीविजन पे रिपोर्टिंग कैसे होती है? कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे पे आप टेलीविजन पे रिपोर्टिंग कैसे, और फिर आप मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इमेज वाले बनते हैं, जिसने रिपोर्ट की है मैं उसकी आइडेंटिटी आपको डिस्क्लोज कर दूं? इसका कोई तथ्य नहीं है जो आपने उसको थ्रेटनिंग मिलने लगे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक मिनट कहकर बात को अपनी तमाम करूंगा। ये जो आपने सीडी बनाई है इसका कोई तथ्य नहीं है। आपने एक ऐसी पार्टी को जो लोगों के दिल में उतर चुकी है, जो अब दिल्ली में सत्ता में आने वाली है, उसको गिराने के लिए कुछ ऐसे लोगों की शह पे कि जिनकी कुर्सियां सरक रही हैं, आपने ये सीडी बनाई है। इसमें आपको जो फायदा हुआ होगा वो आप जानते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे आप आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर सकते। और ये बात आपको पहले 4 दिसंबर को, उसके बाद 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगी। आपकी सीडी का फैसला जनता करेगी, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। बाकी देश की जनता को फैसला करना है, मैं किसी भी व्यक्ति पे कोई नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं रखता। चलिए, किसी का नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते, लेकिन फिर भी दो कैंडिडेट्स की साख पर सवाल खड़ा हुआ है। शाजी अल्मी ने तो अपनी पेशकश ही कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कुमार विश्वास मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, इसके कानूनी पहलू को जानते हैं मनीष, क्या कानूनी अड़चने हो सकती है? जिस तरीके से अनुरंजन जी कह रहे हैं कि वो मीडिया संस्थानों को भी नहीं दे रहे हैं, साथ ही आप पार्टी को भी नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप उनके दफ्तर में जाके चैनल संस्थानों
मीडिया संस्थानों के सबसे पहले संपादकों को मैंने इनवाइट किया है, वो आके हमारे दफ्तर में पूरा का पूरा रॉ वीडियो देखें। चलिए मनीष जी की भी बात सुन लेते हैं, अनुरंजन साहब आपके पास दोबारा लौटते हैं। आम आदमी पार्टी या कुमार विश्वास एक्यूज नहीं है, किसी ने उनके खिलाफ कोई ना कोई उनके मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए उन्हें मुजरिम कहना बिल्कुल अन्याय होगा। बिल्कुल और मुजरिम दोषी को कहा जाता है, वो किसी भी ढंग से अभी उनके ऊपर ना तो कोई FIR दर्ज हुई है ना कहीं शिकायत हुई है, इसलिए इस शब्द से भी बचने की कोशिश की जानी चाहिए। जहां तक सीडी देने की बात है अतनु, तो ये उनकी इच्छा है, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता, कुमार विश्वास दबाव नहीं डाल सकते, मगर यदि वो चाहें तो उसकी एक कॉपी दे सकते हैं ताकि वो इंटरनली कार्रवाई करवा सके। यदि अनुरंजन झा नहीं देते हैं तो कुमार विश्वास के पास पूरे ये कानूनी व्यवस्था है कि उनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज करें, और मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बाद चलिए देखते हैं आगे की कार्रवाई कैसी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर इसके और क्या आगे के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मीडिया के जरिए और आने वाले चुनाव को देखते हुए। देखिए वो कौन होते हैं मोहलत देने वाले, पहली बात। दूसरा, रॉ फुटेज हम आम आदमी पार्टी को क्यों दें? सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र का हिस्सा है। तो एक ऐसा स्टिंग जिसने पूरे देश में इस वक्त विवाद पैदा किया है, उसका अर्ध सत्य अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही आने की अभी कोई गुंजाइश है, क्योंकि अनुरंजन झा साहब उसकी रॉ फुटेज देने के लिए तैयार नहीं है उस पार्टी के लिए। अनुरंजन जी, सवाल आपसे ये भी है कि तमाम किस्म के घोटाले हुए, देश पूरा का पूरा हिला हुआ है, अलग अलग किस्म के घोटाले सामने आते रहे, लेकिन आपने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए एक नई नवेली पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए ये देश, मैं व्यक्तिगत तौर पे अन्ना के आंदोलन का समर्थक रहा हूँ जी। मैं 13 दिन तक आंदोलन में मंच के बगल में खड़ा रहा हूँ, मैं उस आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, और जब मुझे लगा कि इस आंदोलन में समस्याएं होने लगी हैं, जब तक पार्टी बनाने की बात थी वहाँ तक सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन पार्टी बनने के बाद ये राजनीतिक पार्टी बिल्कुल उसी ढर्रे पर चल रही है। आप समझिए इस बात को, इस देश को समझने की ज़रूरत है। दिल्ली क्या में चुनाव हो रहा है, आपकी कोशिश में अरविंद केजरीवाल भी थे, क्या आपने उनका भी स्टिंग करने की कोशिश की थी? नहीं, देखिए इस देश की बाकी पार्टियों के बारे में सबको पता है कि बाकी पार्टियों में क्या हुआ है। जिसकी पार्टी एक नई पार्टी, मेरी बात सुन लीजिए अब जी, एक नई पार्टी जो सामने सच लेके आना चाहती है, जो कहती है कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, बाकी सारे भ्रष्ट और चोर हैं। तो दरअसल सवाल तो यही है अनुरंजन जी, जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं उसी पार्टी के मुखिया की हम बात कर रहे हैं, कि क्या आपने उनको भी स्टिंग करने की कोशिश की थी? ये बात बताने की चीज होती है, ये बात टेलीविजन पे बोलने की चीज होती है? इतना ऑब्वियस कैसे हो सकता है, इतना ग्रांटेड लेके आप कैसे चल सकते हैं? जर्नलिज्म का आप लोगों को ABCD नहीं पता है इसका मतलब? ABCD पता, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसी बात नहीं है, चैनल ने बिठाया है, चैनल के माध्यम से बैठे हैं। आपसे कुछ सवाल है कि जिस चीज को आप कह रहे हैं कि ये सवाल की बात नहीं है, उसे आप ग्रांटेड या ऑब्वियस लेके नहीं चल सकते हैं? एक स्टिंग कर लिया तो आप समझते हैं आप टेलीविजन पूरे सिस्टम के एक्सपर्ट हो गए? यहाँ साहब बड़े बड़े एक्सपर्ट, मैं 18 साल से टेलीविजन में हूँ। बिल्कुल, हम कदर करते हैं, हम कदर करते हैं आपके जज्बे की और आपके एक्सपीरियंस की, लेकिन अनुरंजन जी सवाल है कि हमारा एक बहुत वाजिब सा सवाल था जिसका जवाब चाहिए, हाँ या ना? नहीं, हम क्यों बताएं भाई आपको कि हमने किसी तक करने की कोशिश की? आपकी सीडी की प्रामाणिकता क्या है, आपकी सीडी पर विश्वास क्यों किया जाए, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जिसका हमने दिखाया वो आपके सामने है, आप बताइए बाबा चंदन जी आप क्या कहेंगे? तो बताने के लिए तैयार हैं निरंजन भाई, आपका ये कहना कि सारी पार्टियां जो हैं, कह लेने दी, सारी पार्टियां जो हैं वो करप्ट हैं, ये बात मैं आपकी मानता हूं 100%। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आप सुनिए, आपने कहा था कि दूसरी पार्टियां उनका करप्शन साबित हो चुका है, मुझे बोलने दें। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आती, आप कैसे कह सकते हैं कि करप्ट हैं बुरे लोग? और आपकी जो सीडी है, आपकी पार्टी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, आप सवाल पूछ रहे पार्टी, आपने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ये बार बार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है, मैं तो कह नहीं रहा जी, आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि मैं, हम सारे नेता भ्रष्ट हैं, हम बहुत पाक साफ हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल पाक साफ है उनकी सच्चाई भी देश के सामने आनी चाहिए थी, मेरी बस सिर्फ इतनी कोशिश। नहीं, हमारा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि जिस पार्टी का जिक्र करने से अब आप बच रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल का नाम इंक्लूड करने से आप बच रहे हैं, तो आपने स्टिंग किसके खिलाफ किया है? शाजी अलमी के खिलाफ किया है, कुमार विश्वास के खिलाफ किया है, उन तमाम कैंडिडेट? अरे भाई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, आपने स्टिंग देखा तो नहीं? हमने देखा, आप एक्चुअली दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, आप नहीं बात कर रहे हैं।
चंदन जी क्या कहेंगे, अब आपके सामने है सारी बात, जिसमें हमने सवाल पूछा वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मिक्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टिंग गलत बात फिर आप कर रही हैं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप अपनी बात कर रही हैं, सारी बातें आपकी सही हैं, आपकी सीडी सच्ची है, हम सब झूठे हैं, चैनल भी गलत, आपने भी सुना कि अरविंद केजरीवाल का जिक्र करने पे क्या जवाब दिया, आप ही सत्यवादी हैं सबसे बड़े, फिर वो साहब देखिए देखिए मैं सत्य असत्य के विवाद में कोर्ट कहाँ है, मीडिया हाउसेज कहाँ है, इसको ना एक गीत की पंक्ति, फिल्म के गीत की पंक्ति है और वो बस याद दिलाऊंगा और उससे शायद मेरी बात जाहिर हो, वो राजेश खन्ना साहब के मुंह से गाया हुआ है कि सबसे पहला पत्थर वो उठाए जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, ठीक है साहब, तो भ्रष्टाचार का मामला कानून का मामला बाद में है, भ्रष्टाचार का मामला नैतिकता का मामला पहले है जी। और नैतिकता के मामले का तकाजा ये है कि इसमें आप ठीक चर्चिल के शब्दों में जो गांधी के लिए कहा था, अधनंगे फकीर नहीं हो जाते जी। तब तक आपकी सच्चाई पर कोई यकीन नहीं कर सकता, अब आप देख लें इसमें सच्चाई उजागर करने के लिए एक मीडिया संस्थान मीडिया सरकार आई है, वो सच्चाई उजागर कर रही है आपकी जी। लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन कर रही है किसी एक या दो जने की, खुद उसके स्टिंग ऑपरेशन का आधार पोला है क्योंकि वो एक झूठी कंपनी या अज्ञात कंपनी एक अज्ञात मामले को पेश करके किसी से झूठ बुलवा रही है, और मैं ये पूछूंगा कि क्या सच बुलवाने के लिए पहले झूठ की पेशकश किया जाना जायज है, एक बात, और दूसरी बात इसी कहानी से, वो पाप न किया हो पापी ना हो से निकलती है ये बात कि साहब ये समय है जिसमें आपने अगर पत्थर मारा है तो अपने को लोगों के सामने खड़ा करें और ये बताएं कि ठीक ठीक उसी शैली में जिस पाकिजगी की मांग आप कर रहे हैं आप भी पाक साफ है, ये मीडिया संस्थान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के सामने खड़े हो और अपने को परीक्षा के लिए सौंपे, और अनुरंजन जी की बात से माफ करें जहां तक मैं समझ पाया हूं वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं पड़ती। अनुरंजन जी क्या कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब है, देखिए जो बात इन बड़े भाई साहब ने की बिल्कुल सही बात की, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि जो लोग अपनी पाकीजगी की बात कर रहे हैं, राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए खुद पाकीज साबित करने की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं तो कह ही रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं। वही तो है ना कि आप भी इसमें इस डिबेट में एक पार्टी है और पाकिजगी की मांग अगर नहीं, बाकी नहीं, लोग आप, आप कर रहे हैं तो ये जो है आपने आपका दायित्व तो बनता है कि आप सामने खड़े हो झूठ के सारे सच में आप भी पूरे जो है सच को साबित करने के लिए या सच को उजागर करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के कुछ पैमाने होते हैं, वो तरीके अपनाए जाते हैं और वो टेप में कहा जाता है हम किस लिए ये काम कर रहे हैं, वो पार्टी का नाम क्या है मेहरबानी करके बता दीजिए, उस कंपनी का जिस कंपनी का नाम लेकर वो शाजिया इल्मी के पास आपकी रिपोर्टर जाती या है, वो एमएलए, वो कंपनी के खिलाफ, यही तो जानने की जरूरत है, यही तो आप समझिए इस बात को। निरंजन भाई ये बताइए, पैसे जो पैसे का लालच एक ऐसी चीज है कि वो ये जानने की कोशिश तक नहीं करते कि किस पार्टी के लोग किस कंपनी के लोगों के सामने आए हैं, यही तो सवाल है, यही सवाल सुचिता का है कि जब अगर पैसे सामने दिखता है तो आप क्या पड़ताल करने को तैयार नहीं होते, यही तो सवाल उठा रहा हूं मैं। जरूरी है, एक बात सुन लीजिए निरंजन भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि आप मेरी तरह आप भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपने अपने को बहुत ही गलत जगह फंसा लिया है, अब जैसे आपने देखा एक और हमारे जर्नलिस्ट भाई फंसे हुए, मुझे डर यह है कि कल कहीं आपके खिलाफ कोई बहुत सख्त एक्शन ना हो, क्योंकि जो सीडी आपने बनाई है ना पूरे देश के विश्वास को ऐसा है, विश्वास मेरा कोई कमेंट नहीं है, एक पार्टी जो ईमानदारी के साथ उठ रही है उसको आप बेईमान साबित कर रहे हैं, किस चीज में शाजिया ने कहीं से कहीं तक मैंने अच्छी तरह से आपके आपने कैसे आपने सोच लिया ईमानदारी के साथ उठ रही है तक वो बेईमान साबित करने वाले होते हैं कहीं से कहीं तक, आप ये देखिए कुमार विश्वास 50,000 अगर एक प्रोग्राम के लेते हैं, सुनिए प्रोफेशनल है सोनू निगम, मेरा स्टूडेंट रह चुका है टाइटलर स्कूल में, सोनू निगम एक प्रोग्राम के 50,00,000 लेता है, अगर वो सेल्फ मेड आदमी 50,000 ले रहा है उसमें कौन सा जुर्म है, कौन सा आरोप उस आरोप उस पे आप, अरे मैं कहां कह रहा हूं भाई साहब जुर्म है, माफ कीजिए मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि जुर्म है, अगर सही बनानी है सीडी मैं बिल्कुल ईमानदारी से आ रहा हूं, मैं आप पहले जब ये सीडी कल सामने आई थी ये भी खबर आई थी कि आप सीडी का रॉ फुटेज देने के लिए तैयार हैं आप पार्टी के लिए, उसके बाद आपने इनकार कर दिया और इसके पहले भी कई किस्म के जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं उसमें पत्रकारों ने सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अनुरंजन जी जा रहे हैं अपना
अपना जो सिस्टम है उसे हटा रहे हैं और सवालों से बच रहे हैं। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं फंसते नजर आए हैं अनुरंजन झा इस वक्त, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं दे पाए और इसी के चलते अब वो उठ के यहाँ से जा रहे हैं। किसी के भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं कहा कि इनका जो फुटेज है वो सारा पोला है, उसमें पोला है तो क्या कर पाएगा। मुझे तो फिक्र हो रही है इनकी कि कहीं इनके खिलाफ कोई बहुत ऐसा एक्शन ना हो जाए। मुझे पूरे हिंदुस्तान की वोटर्स की भावनाओं को सीडी ने धक्का लगाया है और इसका खामियाजा निरंजन भाई को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। बहुत कोशिश की हमने अनुरंजन झा साहब से जानने की, अर्ध सत्य जानने की कोशिश की, लेकिन वो अर्ध सत्य सीडी का नहीं सामने आ पाया। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि शक के सवालों में जरूर आ गए, क्योंकि क्यों वो फुटेज देने से इनकार कर रहे हैं, क्यों बच रहे हैं और क्यों सवालों का जवाब देने के बजाय वो कार्यक्रम के बीच से उठकर चले गए, ये अपने आप में शक पैदा करता है, सवाल खड़े करता है। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। उसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।